हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थानरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, बड़े लंबे समय से आप सब लोगों को इंतजार था कि आपके समक्ष हम संविधान की छुपी हुई बातें और इतिहास भी लेकर आए, और सबसे खास मेहमान आज हमारे बीच में है सूर्य प्रताप सिंह जी राजावत। आप अधिवक्ता हैं और श्री अरविंद सोसाइटी राजस्थान प्रदेश सचिव भी हैं, और सबसे खास बात यह है कि आपको पार्लियामेंट लाइब्रेरी में सुरक्षित रखे मूल संविधान को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। आज 74वां गणतंत्र दिवस है और मूल संविधान की विशिष्ट बातों के बारे में आज हमें ये बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं, हमारे साथ है सूर्य प्रताप सिंह जी। भारत का संविधान, मूल संविधान जिस पर संविधान सभा ने हस्ताक्षर किए थे, उसको देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और उसको जब देखा तो उसमें कुछ ऐसी विशेष बातें मिली जो कि मुझे मेरी विधि के अध्ययन के दौरान, मेरे LLB के दौरान भी नहीं मिली। वो कुछ विशेष बातें थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। संविधान के भाग एक में मोहनजोदड़ो की मोहर मिलती है। मोहर मीन्स लोगो। लोगो एक प्रतीक है संप्रभुता का, एक सभ्यता का। इसलिए जब हम भारत की सभ्यता की बात करते हैं तो हजारों वर्ष पूर्व भारत एक प्राचीन सभ्यता रही है, इसका प्रतीक है मोहनजोदड़ो। भाग दो में वैदिक काल के गुरुकुल का परचम हमें देखने को मिलता है, जिसमें भारत के विश्व गुरु बनने के बीच छिपे हुए हैं। भाग तीन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी पुष्पक यान पर बैठ के अयोध्या वापस लौटते आते हुए दिखाई देते हैं। यहां ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दृश्य या ये जो आर्टवर्क है, इसको क्यों चुना गया। इसका सार इतना है कि श्री रामचंद्र जी एक अधर्मी राजा का वध करके वहां पर उसी के वंश का एक राजा है उसको गद्दी पे बिठा के राजा अभिषेक करके वापस आते हैं। न तो वो स्वयं लंका को स्वीकार करते हैं, न ही अपने छोटे भाई लक्ष्मण का राजा अभिषेक वहां करते हैं। ये एक तरह का संकेत है कि भारत ने कभी भी एग्रेसिव पॉलिसी को नहीं अपनाया है, और यही बात संविधान सभा भविष्य के साथ एक तरह से संवाद कर रही है, यही हमें बताना। भाग चार में हमें मिलता संदेश गीता का, श्री कृष्ण देते उपदेश अर्जुन को धर्म युद्ध का। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि जो चित्र दिखाया गया है उसके अंदर अर्जुन विषाद में है और भगवान श्री कृष्ण उसको उपदेश दे रहे हैं। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में है, जिसके अंदर ये बताने की कोशिश की है कि जब भी राजधर्म होगा उसमें जैसे भी द्वंद आते हैं, परिवार के, सामाजिक, गुरु के साथ अपने रिश्तों को लेके, या कोई सा भी आता है, वहाँ पे यह अपेक्षा की जाती है कि राजधर्म सर्वोपरि रहेगा। भाग पाँच में बुद्ध की करुणा हमें मिलती है, तो उसी तरह भाग छः में महावीर की अहिंसा और अनिकांतवाद का दर्शन हमें मिलता है। भाग सात में अशोक का विस्तार दिखाया गया है। पश्चिम के लोग जब भी सम्राट अशोक पर टिप्पणी करते हैं तो उनका ये मानना है कि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक वीक हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि एक योद्धा एक सात्विकता की तरफ जा रहा है, वो पश्चिम की जो सभ्यता है वो स्वीकार नहीं करती। उनके अनुसार भीम जो कि एक राजसिक प्रवृत्ति का है वो एक हीरो होता है, लेकिन यहाँ पे जो अशोक है वो खून खराबे को देख के जब उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है तो उसको पश्चिम एक्सेप्ट नहीं करता। परंतु श्री अरविंद इसी चीज़ का विश्लेषण करके बताते हैं कि यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जहाँ पे तमस से ज़्यादा महत्व रजस और रजस के बाद सत्व को दिया है, और यही कारण है कि इस प्रकार का विश्लेषण हमारी पीढ़ी को करना चाहिए और उन्हें मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक संस्कृति का आधार अलग होता है, उसकी एक विशिष्टता होती है। यही कारण है
कि जब हम महाभारत देखते हैं तो वहां पे धर्मराज युधिष्ठर हैं, उनको भी हमने सम्मान दिया है, भीम को भी सम्मान दिया है, परंतु अर्जुन जब त्रिगुणातीत होके समर्पण करके श्री कृष्ण के पास जाते हैं और समर्पण पूरा करते हैं, तो गीता अर्जुन को सुनाई जाती है, ना कि किसी और को। ये तत्व बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हमें समझने की आवश्यकता है। तो भाग 8 में यक्ष का चित्र मिलता है, इसी प्रकार भाग 9 में विक्रमादित्य के दरबार का चित्र है, वो दरबार जहाँ पे पूरी तरह से समृद्ध एक राज्य है उसका चित्रण किया गया है। विक्रमादित्य से जुड़ी हुई हमें 32 कहानियां याद आती है जो युवा के चरित्र निर्माण व देश निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। भाग 10 में नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र है जो हमें संदेश दे रहा है कि ज्ञान यज्ञ में भारत की ओर सारा संसार देख रहा है। इसी प्रकार भाग 11 में उड़ीसा की कला कृति है जो संविधान में अपनी शान बढ़ा रही है। भाग 12 में नटराज की कलाकृति उकेरी गई है जो हमारी भारतीय संस्कृति में कला का आधार जिसको हमने माना गया है, हमारे कला का जो आदर्श है वो नटराज की मूर्ति स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। भाग 13 में लोक कल्याण के लिए तप करते राजा भगीरथ को दर्शाया गया है जिनका लक्ष्य था गंगा माता का अवतरण। अर्थात राजा का एक कर्तव्य है कि अपनी प्रजा और अपने राज्य के लिए तपस्या करके सबके हित की बात करे। इसी प्रकार भाग 14 में हमें मध्यकालीन अकबर के दरबार का चित्रण मिलता है, अकबर के द्वारा वास्तुकला के योगदान के लिए। तो हमें भाग 15 में शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र मिलते हैं जो ये बताते हैं कि भारत माता और धर्म के लिए सर्वोच्च न्योछावर करना भी कम है। ये जो भाग है चुनाव निर्वाचन से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं ये हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब भी हम हमारा वोट दें तो हम उस प्रतिनिधि को दें जो हमारे धर्म की रक्षा, लोक कल्याण जिसके लिए सर्वोपरि है। इसके बाद भाग 16 में रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान का चित्र मिलता है, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के शंखनाद का चित्रण है। तो भाग 17 में महात्मा गांधी की दांडी मार्च हमें मिलती है, तो भाग 18 में नोकली के दंगे हमें मिलते हैं जो हमें याद दिलाते कि अखंड भारत के लिए जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी, हमें मिला एक पार्टीशन इंडिया। तो ये एक दायित्व है हर पीढ़ी के लिए कि अब दोबारा इस प्रकार का वातावरण ना दोबारा से पैदा हो कि भारत की अखंडता पे किसी प्रकार का कोई चिन्ह लगे। तो भाग 19 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस व अन्य देशभक्त भारत माता को बाहर से स्वतंत्र कराने का प्रयास करते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत को कोई भौगोलिक टुकड़ा नहीं माना गया, जैसा श्री अरविंद ने कहा, भारत माता जो हमारे वंदे मातरम बंकिम की जो रचना है उसके अंदर भी भारत माता के रूप में हमने हमारे देश को स्वीकार किया है। तो यहाँ पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माता को बाहर से आज़ाद कराते हुए दिखाए गए हैं। भाग 20 में हिमालय के दर्शन होते हैं जो ले जाता भारत को उसकी तप भूमि में, ऋषि मुनि की परंपरा में। तो इसके आगे भाग 21 में दिखता रेगिस्तान, याद दिलाता मीरा और प्रताप की। और अंत में भाग 22 में हिंद सागर की लहरें गोता लगाती करती वंदन, जब भारत कहलाता था सोने की चिड़िया, जिसका आधार रहा बौद्धिकता, प्राणिक शक्ति और केंद्र में आध्यात्मिकता।